के चेयर मंगा लो क्या? सर अजमी सर नहीं आएंगे क्या? जल शक्ति एक यंत्र है जो सारी नेगेटिविटी और वास्तु सब आपका ठीक करता है. तो ये इट्स अ कॉन्सेप्ट जो कि पानी रिलेटेड घर की नेगेटिविटीज को दूर करता है. वास्तु, इट्स वास्तु रिलेटेड. तो ये सब ठीक करता है. आप क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? मैं इस अवसर पर कोई जल शक्ति की बात करने नहीं आई हूँ और मुझसे क्वेश्चन भी मत करना. मैं इस टाइम अपनी नारी शक्ति के साथ आई हूँ और मुझसे नारी के बारे में क्वेश्चन. कैसे कैसे हुआ ये नारी शक्ति और कैसे इकट्ठा हुई इतनी सब नारियाँ एक साथ? नारी इकट्ठा होने का कोई बड़ा मुश्किल होता है इकट्ठा करना. नारियों को इकट्ठा करना ही तो सबसे बड़ा काम है और जो कर लेता है वो महाराज है. तो अभी गुरु माँ से महाराज हो गए ना. इतनी सारी नारियों की शक्ति जो है, बहुत दिन से हम समय निकाल रहे थे कि ऐसा कैसे करेंगे, ये सब बच्चियों को एक साथ कैसे लाएंगे. तो बाबा ने मौका दिया और हमने उस पर धोनी की तरह चौका मार दिया. तो नारियाँ इकट्ठी हैं, आप सवाल कर सकते हैं. लेकिन नारी शक्ति को सबके लिए बोल रही हूँ, चैलेंज मत करना और कभी भी उनके लिए खुद दो कदम पीछे जाना, उन्हें पीछे करने की बात मत करना. आप सहमत है संगीता जी? जी मैं बिल्कुल गुरु माँ से सहमत हूँ. नारी शक्ति की पावर आज भारत में ही नहीं, भारत के पूरा हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर, ऑल ओवर वर्ल्ड है. नारी शक्ति इज अ ग्रेट और आज हम लोग यहाँ पर इसीलिए एकत्रित हुए हैं नारी शक्ति के लिए. आज हमको ये अवार्ड भी मिला है जिन्होंने अपने दम पर जो भी बहुत अच्छा अच्छा काम किया, सारी नारियों को गुरु माँ ने आज यहाँ पर इकट्ठा किया है. मैं साईं गुरु माँ को बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मुझे ये सम्मान दिया. और नारी शक्ति की हमेशा जय हो. और आज इनका एक प्रोडक्ट भी है जो मैं मुंबई फेस्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इतना बड़ा फेस्ट हुआ है, यहाँ पे तमाम लोग आए हो. आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट कि ये फेस्टिवल हो रहा है, इसमें इतने लोगों को मौका मिल रहा है, नए नए काउंटर्स खुल रहे हैं, नारी शक्ति है इसमें मुंबई फेस्टिवल में. हाँ, ये तो हम आज में रखें. आई ऑलवेज कम. थैंक यू. कुछ नहीं जले पहले तो मैं गुरु माँ को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ, मुझे नारी शक्ति के साथ जुड़ा है. बहुत बहुत अच्छा लगा. और मैं एक सिंगर के साथ साथ खुद एक बीबी हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ. सो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि नारी को सम्मान दिया गया, सम्मान दे रहे हैं. और आप लोग का प्यार चाहिए नारी को और आगे तक लेके जाइए, बस ये चाहती हूँ. आई थिंक सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात है कि एजुकेशन इज वेरी इम्पोर्टेंट. जब वो पढ़ी लिखी होंगी तब जाके उनको पता चलेगा कि वो क्या कुछ नहीं कर सकती, वो मर्दों से कम नहीं है. लेकिन अगर वो एजुकेशन, अगर वो पढ़ी लिखी नहीं होंगी तो उनको कभी पता नहीं चलेगा कि उनमें क्या पावर है. ये पढ़ाई बाद एक और भी बात है कि नारी पढ़ तो लेती है और बाप का सपोर्ट भी ले लेती है और बाहर भी निकल जाती है, पति को मना लेती है, नौकरी भी कर लेती है, लेकिन फिर भी वो समाज उसकी हुनरता को सवारता नहीं है, निखारता नहीं है, उसको गलत साबित करके घर में ले आता है. मुझे ऐसा लगता है कि औरतों को प्रूव करना चाहिए अपने आप को, क्योंकि आज के ज़माने में कोई टैलेंट को रोक नहीं सकता है. अब जैसे इंडिया इस चैलेंज आता है, टीवी में इतने सारे चैनल में डांस कंपटीशन, म्यूज़िक कंपटीशन है, उसमें सब छोटे छोटे शहर की बेपड़ी लड़कियां आती है, बट वो अपने बलबूते पे आती है, उनको मौका देते हैं हम लोग और उसके बाद वो प्रूफ करती है दुनिया को कि उनमें टैलेंट है. सो आई थिंक आखिरी सवाल गुरु मां, पैडमैन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अक्षय कुमार को लेंगे, सुपुरों से खबरें आ रही थी क्या, बहुत गुस्सा कर रही थी, क्या कुछ कहना चाहेंगे पैडमैन को लेकर, जो नारियों का जो अंदर की बात थी वो बाहर ला दिया. गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन. इसको तो हम एक ही कहेंगे, पिक्चर बड़ी अच्छी है, नो प्रॉब्लम. लेकिन अगर इसे सोशल की तरह करते तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि औरतों की कुछ ऐसी पर्सनल व्यक्तिगत चीज़ें हैं जो अंदर ही रहें, बाप भाई पति से छुपी रहें, बेटे से छुपी रहें, उसको सरेआम नहीं लाना चाहिए था, मेरा ऐसा मानना है. कुछ सीन उसमें, बाकी अक्षय हमेशा बहुत अच्छे काम करते हैं, मुझे बहुत अच्छे भी लगते हैं, वो इंसान बहुत स्पिरिचुअल भी है, माँ को मानता है. लेकिन
कुछ चीज़ें इनडायरेक्टली ही दिखानी अच्छी होती हैं, डायरेक्ट नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हमारे समाज में सबको पता है शादी क्यों की जाती है। बाप कितना भी अमीर हो बेटी को घर नहीं रख सकता, लेकिन फिर भी उसको शादी का नाम दिया जाता है। वो एक मर्द उसको प्रोवाइड नहीं कर सकते, वो एक हस्बैंड नहीं ला के घर में रख सकते, तो इसलिए उसको दूसरे घर भेजते हैं। तो इनडायरेक्टली कुछ चीज़ें अगर समाज को समझाई जाएँ तो अच्छी रहती हैं, क्योंकि हम नारियों की कुछ पर्सनल चीज़ें हैं जो स्क्रीन पर ना आए तो हमारे लिए बेहतर है। उसके लिए क्या आप कुछ करने वाले हो? नहीं, आप क्या करेंगे? नहीं, नारी तो हमेशा प्रेम बांटती है, आंदोलन पे तो उसे मर्द जात लाता है। नारी तो हमेशा शांत रहती है, चंडी तो ये समाज बनाता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आइए एक शॉट ले पूरा।